क्या मुझे साइनस का ऑपरेशन कराना चाहिए? इज देयर नेसेसरी फॉर साइनस सर्जरी फॉर मी? दोस्तों बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी कि बेल आइकॉन को प्रेस करना है एंड जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं सर डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। बात करते हैं, इज देयर नीड ऑफ साइनस सर्जरी? दोस्तों बहुत बार जब हमारे पास साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स आते हैं, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं वो जरूर पूछेगा, सर मुझे क्या ये साइनस का ऑपरेशन कराना जरूरी है? दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या तो साइनस की समस्या है और कब उसमें ऑपरेशन की जरूरत है, कब हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों जैसे आपको पता है, हमारा जो नोज है, नोज के पास में जो चीक की बोन है, जो ये फ्रंटल बोन है, ये नोज के बगल में जो बोन है, यहाँ पे एक मधुमक्खी के छत्ते की जैसे खाली स्पेस होता है, दैट वी कॉल द साइनस सिस्टम। एंड उसका यूज क्या है, जब हम नोज से ब्रीदिंग करते हैं तो पूरी एयर जो है वो साइनस के अंदर जाती है, वहां एयर का फिल्ट्रेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। आप लद्दाख में है टेम्परेचर माइनस में, आप जैसलमेर है मेरे हैं टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो ये काम कौन कर रहा है? आप गली में गंदगी में से निकले, जो आपके बैक्टीरिया वायरस आपके नोज में चलेगी, उनको क्लीन कौन कर रहा है? नोज और साइनस मिलके। सो दोस्तों बहुत बार क्या है कि आपके नोज के अंदर एलर्जी है, उस एलर्जी के कारण हमारे जो नोज की जो साइनस के अंदर की म्यूकोजा है, वो म्यूकोजा फूल के बोगी होके एंड अंगूर के गुच्छे की जैसे बंच बन गई। एंड जब वो बंच बन गई तो हमारा जो सांस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको उसने ब्लॉक कर लिया है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले एक नेजल एंडोस्कोपी की जाती है। नेजल एंडोस्कोपी के माध्यम से हमें नेजल कैविटी के बारे में अंदर इंटीरियर एक मॉनिटर पे दिख जाता है कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, अभी कितने पॉलिप बन गए एंड सांस का कितना रास्ता बचा हुआ है। इसके बाद में दोस्तों एक सीटी स्कैन, PNS पैरानेजल साइनस के एक सीटी स्कैन के माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कौन कौन से साइनस के अंदर कि ये जो है पॉलिप्स बन गए, बंच बन गए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस होता है, यहाँ पे एथमोइड साइनस होते हैं, यहाँ फ्रंटल साइनस होता है, दिमाग के नीचे एक स्पिनोइड साइनस होता है। तो हम ये निर्धारित करते हैं कि कौन कौन से साइनस में पॉलिप बन गए। बहुत बार दोस्तों सीटी स्कैन के जब हम रीड करते हैं तो दो कैटेगरीज में पेशेंट को डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी आपके जो आपके साइनस है उसमें अंदर स्वेलिंग है, पॉलिप नहीं बना है। अगर उसमें स्वेलिंग है, पॉलिप नहीं बना है, सो दोस्तों ये जो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उसमें अगर आप प्रॉपर दवा लेते हैं, आपको साइनस सर्जरी की जरूरत नहीं है, आगे भी नहीं होगी अगर आप उस चीज को, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू फॉलो करते हो। दोस्तों दूसरी कैटेगरी, जब सीटी स्कैन हम देखते हैं, हमें लगा कि कहीं एयरवे का निशान नहीं है, नाक के अंदर बंच बन गए, पूरे पॉलिप्स बन गए, एयरवे को पूरा ब्लॉक कर लिया, दोस्तों यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर द साइनस सर्जरी। अब हम ये देखते हैं कि साइनस सर्जरी में होता क्या है। दोस्तों साइनस जो सर्जरी है, सबसे पहली बात ये एंडोस्कोपी के बाहर से कोई चीर फाड़ टांका पट्टी दर्द निशान नहीं होता। एक नेविगेशन और एक बेसिकली जो एक एंडोस्कोपी के एक माइक्रोडेब्राइटर सिस्टम से हम जो सीटी स्कैन जो देख रहे हैं उसमें जहां जहां वो पॉलिप्स हैं उस मॉनिटर पे देख के उन पॉलिप्स को रिमूव कर दिया जाता है एंड जो स्पेस हमारा भर गया था जहां पे वैक्यूम खाली जगह होनी चाहिए थी वो पूरा क्लीन कर दिया जाता है। एंड ये 2-2.5 घंटे की सर्जरी होती है, एक दिन हमें हॉस्पिटल में एडमिट रहना होता है। अमूमन जो इस सर्जरी की कॉस्ट जो होती है वो 50,000 से 1,00,000 रुपए तक डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में होती है। मेरे सेंटर में डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट है, हो सकता है वो 45 में हो सकता है वो 65 में हो, ये डिपेंड करता है कि हमारे कितने पॉलिप्स हैं। एंड उसके बाद के अंदर जो है 10 डेज बाद आप अपना रूटीन रिकवरी टाइम के बाद रूटीन प्रोटोकॉल कर सकते हो। बट सवाल ये आता है क्या ये ऑपरेशन वापस कराना पड़ेगा? दोस्तों अगर आपको अच्छी टेक्निक से है तो ये दोबारा ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, आपको ये बराबर ट्रीटमेंट लेना होता है। बट ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको एलर्जी के कारण नाक में पॉलिप बन गए और आपका एयरवे ब्लॉकेज है, फिजिकली सीटी स्कैन में पॉलिप आ रहे हैं, तो यू आर द राइट कैंडिडेट दोस्तों, आपको जो है उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए एंड उसमें डिले नहीं करना चाहिए। सो देखा इन्फॉर्मेशन कितनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यू कैन शेयर योर फ्रेंड फैमिली एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द साइनस सर्जरी। थैंक यू।